भाई, क्या हाल चाल है? हेलो सर। अच्छे हैं सर। हेलो हेलो सर। भाई, पहली बार तुम लोगों से अनअकैडमी के, है ना? अभी तक सिर्फ अनअकैडमी की क्लास लेता था। भाई, यस सर। क्या पढ़ रहे हैं आज तुम लोग? आज क्या पढ़ना चाहोगे? रिलेटिविटी रिलेटिविटी पढ़ना है। चलो, उसमें मैं सोच ही रहा हूँ, मेरा भी बहुत दिनों से पढ़ाने का मन है। उस पर लगा देता हूँ 3-4 लेक्चर यूट्यूब पे, है ना? रिलेटिविटी पढ़ते हैं। मुझे बहुत पढ़ना है वो टॉपिक। आपसे ही पढ़ना है। तो उस लेवल पे पहुंचने में 4-5 साल लग जाएंगे, जितना मैंने उसको कंसाइज और सारी चीजें बुक कर रखी है ना, जिस तरह से आसान तरीके से समझ रखा है। तो वो तो है। चलो भाई, एक एक करके अपने बारे में बताते जाओ भाई, है ना? सुमन शर्मा राय, तो सुमन तुम बोलना चालू करो। यस सर। सर मेरा नाम सुमन चक्रवर्ती है सर। सर मैं आपको सर 2021 में सर जब ईयर लॉन्ग बैच स्टार्ट हुआ ना 12th का, सर तब से फॉलो कर रहा था सर। 21 में मेरा कौन से मंथ से सर? लगभग मई महीने 2020 का मई महीना, मतलब 2021 के लिए जो ईयर लॉन्ग बैच हुआ था उसमें। अच्छा, तुमने मतलब 2 साल पहले सर को लिया था। ठीक है, तो तुम 2 ईयर है ना प्रॉपर? हाँ सर। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो फिजिक्स में? सर फिजिक्स में तो 170 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, 2 तो सिली मिस्टेक हो गया था। बोनस वाले को काउंट कराए कि नहीं करा अभी? तुम लोग जो भी मार्क्स बता रहे हो, बोनस वाले को काउंट करा, क्योंकि एक बोनस होने वाला है उसमें। हाँ सर। मेरा 2 तो सिली मिस्टेक हुआ था। एक तो जो प्रोजेक्टाइल था ना उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में सर उल्टा हो गया था, गलत में। गलती भी बहुत गंदी करी है। गलती एक होती है, गंदी वाली गलती है। ठीक सर। और एक सर, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये गलत हो सकता है बहुत जन का। कहाँ बैठे हो तुम? बाहर हो तुम? गार्डन में बैठे, इसलिए अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, मॉल दिखाओ। थोड़े देर में बोले इसलिए वो मतलब प्लान हो गया था, इसलिए वो हुआ। अब मॉल घूमना कैंसिल है? मूवी देखने कहा? मूवी देखने आए थे सर, मतलब बहुत थॉट देख रहे थे वो शमशेरा वाला। क्या? एक मतलब रणवीर कपूर का एक निकला है शमशेरा वाला, वो फर्स्ट हाफ देख के मैं निकल आया। इतना गंदा मूवी है। इतना गंदा मूवी था। चलो सही है भाई, सही है। अच्छी बात है। हाँ भाई सुमन बताओ, तो फिर और ओवरऑल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर ओवरऑल तो मैं 640 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जितना भी मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो उसमें प्लस माइनस 10-20 मान के चलना, क्योंकि डिस्प्यूटेड है ना। हाँ सर। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सर और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर डिस्क रिंग का था ना, उसमें रेडियस और जायरेशन की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। बहुत ही गंदी गलती करी है, तुम्हें माफ करूंगा। चलो भाई, गौरी गौरी भाई तुम्हारा कैसा हुआ? तुम्हारा बताओ भाई। सर मेरा तो एक्सपेक्टेड। अपना नाम वगैरह बता दो, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। हाय, मैं गौरी पाठक हूँ और मैं यूपी कानपुर से हूँ। और इन 2022 आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 690 प्लस माइनस 5। एंड फिजिक्स में मतलब तुम्हारे एक ही डिस्प्यूटेड है, बाकी डिस्प्यूटेड नहीं है, तुमने इतना कैलकुलेशन कर लिया है। यस सर, मैं बहुत ही सेफ साइड लेके चल रही हूं जिससे मैं खुश हो पाऊं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? और लेट्स एक्सपेक्ट कि आई फाइनली 700 सुपर है। चलो ठीक है। हां, आगे बोलो, आगे बोलो। और मैं फिजिक्स में कितना आ रहा है? आई एम एक्सपेक्टिंग 180 इन फिजिक्स। 180 आउट ऑफ 180 भाई, ठीक है, ये बहुत शानदार है। एवरीवन क्लैप फॉर हर, फुल आउट ऑफ फुल, दैट इज बिग, है ना? वरना हर बार कोई ना कोई एक ना एक दो दो गलती कर देते हैं, छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, है ना? 180 आउट ऑफ 180, वेरी गुड। अच्छा, वो जो जो सेक्शन भी था उसमें 5 क्वेश्चन छोड़े होंगे ना? कौन कौन से देख के छोड़ दिए थे? एक वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला देख के छोड़ दिया था। हाँ, तो रैंक उनकी आती है जो देख के समझ जाते हैं, रैंक उनकी आती है जो देख के समझ जाते हैं कि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। और तो मतलब मैंने डायरेक्टली वो देखा जिसमें बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दिख रहा था, तो मैंने जो नहीं किया उन पे ध्यान ही नहीं दिया, तो मुझे याद ही नहीं है क्या थे उसके अलावा। चलो शानदार शानदार, सही है ना। कब से पढ़ रहे थे? मैं सितंबर 2020 दोनों साल आपसे ही पढ़ा है। अच्छा, तुम भी 2 ईयर स्टूडेंट हो? चलो सही है ना। ठीक है, तुम भी 12th वाले हो ना गौरी? और सुमन तुम भी 12th वाले हो ना? 11th 12th के साथ तुमने 2 ईयर प्रिपरेशन करी है ना? नहीं सर, मैंने 12th के साथ की थी, ये मेरा ड्रॉप ईयर था। एक्चुअली क्या हुआ सर, लास्ट ईयर 21 में मेरा फिजिक्स में 145 आया था और तो आपका ओवरऑल में 550, इसलिए मैंने हमारे बंगाल में आपका BDS का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में BDS ज्वाइन कर लिया था। कोर्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे?
हाँ सर, कोर्स में हुआ पर दिया था, मैं सिर्फ 2-3 दिन ये कॉलेज गया था, बाकी मैं घर चला आया था। मतलब मेरा घर से बहुत दूर है कॉलेज, इसलिए मैं घर चला आया था, इसलिए उस क्लास ही अटेंड नहीं किया, इसलिए पूरा इस साल घर में सिर्फ मॉक टेस्ट दिया और ये किया। नोट्स आपका सिर्फ नोट्स पढ़ा, मतलब लास्ट ईयर ही नोट्स सब रेडी था, इस साल सिर्फ आपका वो फ्लूइड्स वाला चैप्टर और आपका रेडियोएक्टिविटी का थोड़ा वो एक बार क्लास में देख लिया था, लाइव देख लिया था, बाकी मैंने क्लास नहीं किया इस साल ज्यादा, सिर्फ अपना नोट्स रिवाइज किया और नहीं, ये किया, मॉक टेस्ट ही दिया। 2021 में तुमने सारे लेक्चर वगैरह पूरे देखे खत्म कर हाँ दिए सर, हाँ ना, सर, हाँ सर, हाँ इसमें सर, हाँ सर, स्मार्ट सिलेक्टिवली पढ़ा कि जिस जिस टॉपिक वीक है उसमें ना, दैट इज द स्मार्ट स्टडी, दैट इज द स्मार्ट स्टडी, ज्यादा क्लास करने हाँ की नहीं आती, स्मार्टली हाँ पढ़ना सर, हाँ सर। एक्चुअली लास्ट ईयर होता 12 के साथ आपका पूरा थियोरी करना और प्रैक्टिस करना उतना नहीं हो पाया था, इसलिए इस साल प्रैक्टिस में ज्यादा फोकस किया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और वो था। कमी हाँ से सर, रैंक बुक से मटेरियल वगैरह सॉल्व कर लिए थे? हाँ सर, वो तो मैंने 12 में, मतलब 21 में कर लिया था। अच्छा कर लिया था, चलो अच्छी बात है, हाँ, इस अच्छा साल आपने जो नया अपना मॉड्यूल वगैरह दिया था सर, मॉड्यूल का सेक्शन बी सिर्फ किया था। सेक्शन भी किया था, बहुत शानदार। हाँ सर, और क्या बोलते हैं, वो कर लिया था जेई मेन के पीवाईक्यूज जो दिए थे, वो कंप्लीट कर लिए हाँ सर, तुमने? वो चलो कर लिया था, वो कर लिया था, वेरी गुड, जेई है ना, मेन वगैरह कर लिया था वेरी गुड, है ना। गौरी तुमने कंप्लीट करे थे जेई मेन के पीवाईक्यूज? सर। नहीं करे थे? हाँ बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्या क्या करा था तुमने बताओ? तुम 11th 12th के स्टूडेंट है ना, तुमने 11th में ज्वाइन किया था, 11th 12th वाले स्टूडेंट है ना, फ्रेशर हो तुम्हें ना? हाँ बताओ तो भाई। मैं जब चैप्टर्स जब आप पढ़ा रहे थे, तो तब एचसी वर्मा और आपकी डीपीपीज, फिर अच्छा जब तुमने एससी ब्रह्म पूरी करी है, कितने एचसी परसेंट वर्मा में मैंने मॉडर्न फिजिक्स नहीं किया और मैग्नेटिज्म नहीं किया, बाकी पूरा करा है, बाकी पूरा किया एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ है? सब कुछ, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, फिर तो पेपर कुछ था ही नहीं, फिर तो पेपर पढ़ के हंसी आ रही होगी। और सर लास्ट तक मुझे फिजिक्स में काफी कॉन्फिडेंस हो गया था, मतलब मैं फुल स्कोर कर रही थी मॉक्स में फिजिक्स में, और केमिस्ट्री थोड़ा वीक चल रहा था, तो मैंने लास्ट तक फिजिक्स को थोड़ा साइड कर दिया था और केमिस्ट्री पे फोकस कर रही थी। ठीक है वेरी गुड, है ना। अभी केमिस्ट्री में कितना आ रहे हो? 160 आ रहा है। 1.6 आ रहा है, चलो अच्छा है, केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा है ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अभी पूरे सुपर सिक्स से पढ़ रहे थे, किससे पढ़ रहे थे तुम? नहीं, मैं आपसे पढ़ रही थी, वैभव सर से और गरिमा वर्मा मैम से केमिस्ट्री। ठीक है शानदार। सुमन तुम? सर मैं फिजिक्स तो आपसे पूरा पढ़ा, और आपका बायोलॉजी में प्रणब सर से पढ़ रहा था, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सौरभ शर्मा सर से, और आपका फिजिकल सुनील लखोटिया सर से पढ़ा था। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है ना। ठीक तो है गौरी सर। तुमने बाकी डीपीपी वगैरह मॉड्यूल वगैरह कंप्लीट करे थे जो मैंने दिए थे, यस सर, मतलब और रैंक? मॉड्यूल्स तो जब मैं 11th में थी तब आप नहीं देते थे शायद, तो जब से आपने देना शुरू किया था, आई फाउंड इट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, जनवरी से ठीक है। बहुत अच्छा और प्रैक्टिस रैंक है। बूस्टर मटेरियल करा था, नहीं करा था? नहीं सर, वही तो आई डू नॉट डू फिजिक्स बाद तक। अच्छा बाद में तुमने पूरा फोकस केमिस्ट्री पे कर दिया था। हाँ नहीं ये भी स्मार्ट मूव है, खैर तुमने एससी वर्मा कंप्लीट करा था तो फिर कोई जरूरत पड़ती नहीं है एससी वर्मा के बाद, तो है ना। ठीक है चलो अच्छी बात है। और वंदना कैसे भाई? यस सर, आई एम बहुत गुड सर। बहुत सीरियस बैठे हो, क्या नहीं हो सर, गया? दुखी होगी, इतने 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 नंबर क्यों आ गए मेरे? मेरे कम नंबर आने चाहिए थे, मुझे एक साल और प्रतीक सर की क्लासेस करनी थी, पर नहीं ऐसा नहीं है, नहीं सर, नहीं करनी, और क्लासेस नहीं करनी मेरी, आप बहुत नहीं कर सर, ली, अब तो उतनी नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो अच्छी बात है। तो भाई बता दो बंदा, कौन से 11th, मतलब तुमने 12th के स्टूडेंट थे या ड्रॉपर थे तुम? 12th की स्टूडेंट थी ट्वेल्थ की थी, कब ज्वाइन करा था तुमने? सर, मैंने अप्रैल में किया था, अभी 2021 में, अप्रैल एक 28 से साल हो गया। तुमने, तो मतलब अराउंड, हाँ अराउंड 1 ईयर्स, सवा एक साल है ना। ठीक है, यस तो तुमने एक साल में इतना सब कैसे कंप्लीट करा, पूरे 11 जाओगे, इनकी यही समस्या होती है सर हम लेट हो गए एक साल, अब तो हमारे मार्क्स आ ही नहीं सकते। अच्छा कितने आ रहे हैं पहले तुम्हारे फिजिक्स में, कितने आ रहे हैं टोटल, कितने आ रहे हैं? सर, 117 फिजिक्स एंड 657 वेरी गुड इन नीट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, 170 117 फिजिक्स है ना। ठीक यस है, तो दिक्कत कहाँ हुई, थोड़े से 657 आ रहे हो टोटल, यस सर, सर बायो बायो में में, करते हैं तो ज्यादा। ओ बायो में गड़बड़ हो गई। ठीक है, बायो क्या स्टार्टिंग बायो से करा था तुमने, यस सर, बायो से किया था स्टार्टिंग। तो कितने देर में हो गया था बायो? सर बायो मेरा 55 मिनट में हो गया था सर। चलो ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई बच्चों का क्या हुआ था, फिजिक्स इस आते हुए छूट गया, क्योंकि उन्होंने बायो में उनको 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग गया, तो फिर उनका फिजिक्स यस सब पढ़ ही नहीं पाए थे क्वेश्चन, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। तुम में से किसी के साथ? अच्छा तुम में से किसी के साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं है, है ना। ठीक है, पर और भी ऐसे सर, बच्चे हैं, बट बहुत मेरा बात नहीं। रिवाइज, बट हाँ सर मेरा रिवाइज करना रह गया, नहीं तो मेरी सिली मिस्टेक हुई है, 170 मेरे 180 आने थे सर। अच्छा, तो कौन से दो क्वेश्चन गए तुम्हारे? सर एक तो मॉडर्न फिजिक्स का बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके में सर कंफ्यूज, इस वजह से वो एटॉमिक नंबर पूछा था ना उसका सर, सर सिली कैसे? चलो सर, ठीक है जल्दी ना, जल्दी लो मैं बस वो देख लिया। और और सर एक वो रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना था, तो के यार तुम स्क्वायर के वन स्क्वायर सुधर अप टू के टू स्क्वायर निकाल दिया, K1 is to K2 निकालना था सर।
चलो कोई दोनों इसीलिए मिस्टेक मतलब है कितनी देर में हो गया था तुम्हारा बायो पूरा? बायो पूरा विद ओएमआर एक घंटे में। वेरी गुड। और फिर केमिस्ट्री भी आई थिंक एक घंटा लगा था और फिजिक्स में आई टुक 45 मिनट्स और बाकी रिविजन। फिजिक्स इज्जत ही नहीं रखे हैं। इतनी इजी क्वेश्चंस थे कुछ कुछ कि मुझे तीन बार वो देखने पड़े कि इतना इजी कैसे हो सकता है। कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे? कहीं कुछ ट्रिकी तो नहीं है यहाँ पे? उसमें कुछ ट्रिकी होना चाहिए। सीधा ग्राफ कैसे पूछ सकता है? पक्का इसमें कुछ है नहीं? होता है, होता है। जब इतना इजी आता है तो लगता है फिर क्या गड़बड़ क्या है भाई, इतना आसान कैसे हो सकता है? ठीक है, देखो देवर में बढ़िया मॉल एंजॉय कर रहा है, बढ़िया कर रहा है यार, मॉल के नजारे भाई सही गर्मियों में। सर मैं अपने दोस्त को मतलब क्या बोलते हैं मतलब नहीं ढूंढ पा रहा, वही प्रॉब्लम है। और वो लोग कॉल कर रहे सर, आप थोड़े दो दिन पहले बोलते तो अच्छा होता मतलब। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दोस्तों को निकलो यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ सर से। सर हेलो हेलो। हाँ। सर मैं मेरे बारे में बोल दे दू प्लीज सर। अच्छा चलो भाई बोल दे भाई, देवर में बड़ा परेशान। कोई मूवी देखने जा रहे हैं? मूवी में सब लोग हैं? हाँ? नहीं सर मूवी हो गया है मतलब। अच्छा। वो लोग मतलब गेम खेल रहे थे तो मैं बोला कि सर का मीटिंग है तो मैं थोड़ा बाहर आ जाऊँ, फिर अब वो लोग बोल रहे जल्दी आओ। बताओ बताओ देवर भाई बताओ, तो कौन सी क्लास में थे? सर मैं तो 12 में आपको बोला था ना, 12 में वो मेरा थोड़ा मैं मतलब डिप्रेस्ड हो गया था इसलिए मैंने नीट 2021 नहीं दिया था। फिर मतलब तुमने दिया नहीं था? नहीं सर। ओ तुमने मुझसे कब से पढ़ रहे थे, कब से ज्वाइन करा था तुमने मेरे क्लासेस? कंबाइंड 2021 से। 2021 कौन सा मंथ? जून जून मतलब नर्चर इनपुट कंबाइंड कंबाइंड जब आप बोले थे वो करने को। अच्छा, वही। अच्छा, फिर मेरा 170 आ रहा है फिजिक्स में। और सर आपको मैंने गोल्डन हेड दिया, आप कुछ बोले नहीं? अरे यार गोल्डन हेड दिया भाई, भाई थैंक यू सो मच भाई, ऐसा नहीं है, अब तुमसे बात कर रहे हैं और क्या चाहिए भाई, भाई बताओ गोल्डन हेड तुम्हें बहुत बड़ी थैंक यू सो मच भाई। सर मैंने आपको वो मतलब आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा मतलब अच्छे से लिखा था। कब दिया था तुमने गोल्डन हेड बताओ? यस्टरडे। अच्छा कल ही दिया है क्या? अच्छा तो ये बताना चाहिए। मैं तो मतलब थोड़ा सोच सोच के लिख रहा था मतलब अच्छे से अच्छे शब्दों से। पढ़ता हूं भाई सबकी गोल्डन हेड, पढ़ता हूं भाई तुम्हारी गोल्डन हेड पढ़ देता हूं भाई। लो सबके सामने देवरो ने लिखा है, बीइंग अ ड्रॉपर आई स्टार्टेड टू फॉलो योर क्लासेस सिंस जून 21। कंसिस्टेंसी हार्ड वर्किंग एंड क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स वर द थ्री मेन लेसंस आई लर्न फ्रॉम यू। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 170 मार्क्स इन नीट 2022, ब्लेस मी। वाह वेरी गुड, थैंक यू देवरुण भाई, बहुत शानदार है, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो तुमने एक साल की पूरी प्रिपरेशन करी है, 2021 में तुम्हारे कितने थे? मतलब एक्चुअली 2021 में मैं एग्जाम नहीं दिया था, मतलब वैसा भी नहीं था, मेरा जीरो प्रिपरेशन था। अच्छा तुमने एग्जाम नहीं दिया था, तुम डर के और डर के नहीं दिया था एग्जाम? हां हां सर। इतना कैसे डरते हैं भाई, इतना डर लगता कैसे कि एग्जाम ही देने नहीं गए? क्या बायोकेमिस्ट्री भी दिया नहीं था? मेरा पापा मम्मी बहुत डांटे थे मुझको, पर मेरा वो मन ही हो गया था क्या गंदा मार्क्स आएगा तो और डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा, वैसा हो गया था। अच्छा 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 कोई नहीं, अभी तो कर लेना। अभी अभी कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, पर आप सर इतना जल्दी ये सब कर रहे हो, थोड़ा एग्जाम का हो जाए मतलब रिजल्ट रिजल्ट तब अच्छा लगता बहुत। वो तो करेंगे नहीं, वो तो करेंगे, अभी तो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बताओ किस ऑर्डर में करा था पेपर? जैसे सब लोग करते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, सब उसी को फिजिक्स को मतलब सबसे लास्ट में रखते हैं। कितनी देर में हो गया तुम्हारा फिजिक्स पे? पर इस बार वो रिवर्स साइकोलॉजी हो गया। हां बायो कितनी देर में कर लिया था तुमने? 1 घंटा 5 मिनट। एक घंटा बाद केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मतलब लगभग 1 घंटे के जैसा ही मतलब। हाँ ठीक है। और बायो? बायो नहीं फिजिक्स सर। हाँ फिजिक्स आ गया, फिजिक्स सही बात है। फिजिक्स वो मतलब 50 मिनट के जैसे, 50 मिनट। चलो चलो अच्छी बात है। और कौन कौन से टीचर से पढ़े थे तुम? आपसे तो पूरा ही पढ़ा था। हाँ? मतलब फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आरएस सर से इनऑर्गेनिक, एकेएम सर से फिजिकल और ओसी में मतलब खुद ही पढ़ता था मतलब खुद ही। हाँ मैं आपको ठीक है। Okay, और बायोलॉजी मैं खुद ही पढ़ता था मतलब एनसीईआरटी, और बाद में लास्ट 3-4 महीने में वो प्रणव सर फुल मॉक लेते थे, वो अच्छे से प्रैक्टिस करता था, वही मॉक टेस्ट करते थे, बाकी खुद से पढ़ा मतलब ऑनलाइन मतलब वो पोल में मॉक टेस्ट होता ना वही। अच्छा पोल वाला मॉक टेस्ट, ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट। और एलएन का मॉक टेस्ट देता था वो तो मतलब ऑफलाइन का वो। अच्छी बात है, बहुत शानदार। चलो भाई बहुत सही, अब जाओ दोस्तों के पास, एंजॉय करो, है ना। सॉरी सर उतना जल्दी निकलना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हें पकड़ेंगे लंबे टाइम के लिए, ठीक है, अभी जाओ ना। ठीक है थैंक यू, चलो बाय बाय। हाँ
वंदना बताओ ओवरऑल तुम्हारा फिजिक्स में 170 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल 657 राइट? यस सर। है ना, हाँ ठीक है। तो अब मुझे बताओ फिजिक्स में तुमने क्या क्या करा था, कैसे करा था? सर फिजिक्स में पहले तो नोट्स वगैरह तो कर ही थे, फिर एचसीवी की थी हर के साथ, हर चैप्टर के साथ। एचसीवी के लिए तुमने भी? यस सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तुम भी 12th है, तुम ड्रॉपर थे या 12th के स्टूडेंट थे? सर मैं 12th के स्टूडेंट। तुम 12th की स्टूडेंट थी, ठीक है। और तुमने ज्वाइन कब करा था? तुमने एक साल पहले ज्वाइन करा था ना? यस सर। हाँ तो एक साल में एससी वर्मा कैसे करी, ये बड़ी बात होती है एक साल में, एक्चुअल में बड़ी बात होती है एससी वर्मा करना, कैसे करा बताओ? सर निकालना पड़ा टाइम, तो स्कूल में तो जा ही नहीं रही थी मैं, नॉन अटेंडिंग ही कर रही थी। अच्छा नहीं तो ये भी बड़ी बात है ना कि तुम 12th के साथ करे, एक तो बच्चे ये परेशान होते हैं कि सर हम 12th के साथ हैं, हमें स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, स्कूल वाले बहुत परेशान करते हैं, फिर ऊपर से अब बताए 11th भी करना 12th भी करना और साथ में तुमने एससी वर्मा भी करी, तो दिस इज एक्चुअली बिग थिंग। तो तुम्हें बताना पड़ेगा एग्जैक्ट प्लान की कैसे करा। हाँ सर आप जैसे क्लासेस ले रहे थे तो उसकी मतलब क्लास के सर साथ साथ ही किया है मैंने, क्लास लगाने के बाद टाइम जितना भी मतलब मैंने फिजिक्स को ज्यादा टाइम दिया है सर। मतलब ये कह सकते कि क्रेडिट तुम्हें नहीं जाएगा, क्रेडिट दिमाग को जाएगा, दिमाग तेज था तो फटाफट हो रहा था। हां सर स्टार्टिंग में टाइम लगता था बट बाद में हो जाता था, बाद में हो जाता था। अच्छी बात है। कितने परसेंट क्वेश्चन कर लेते थे एससी ब्रह्मा के, मतलब कितने डाउट बचते थे जब तुम करते थे? सर मैं 80% कर लेती थी, बाकी थोड़े बहुत डाउट बच जाते थे। ठीक है चलो अच्छी बात है ना। और मॉड्यूल कर लिए थे, मॉड्यूल और डीपीपी जो देता था? सर डीपीपी तो कर ली थी, मॉड्यूल लास्ट में, मॉड्यूल लास्ट में किया है मैंने। करे थे कितने कर लिए थे एक्सरसाइज 1 2 3 कितना कर लिया था मॉड्यूल का? सर दो दो एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज 1 और 2 है? यस। 2 कर ली थी, चलो अच्छी बात है, 2 तो डिफिकल्ट वाली थी है ना, तो वो भी हो गई थी ना, चलो बहुत शानदार। और क्या करा था फिजिक्स में, कुछ और करा था? नहीं सर और नहीं करा था, पीवाईक्यूज तो आप क्लास में करवा रहे थे। और केमिस्ट्री बायो कैसा रहा? ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। और सर बायो में कम आ रहे हैं, 322 आ रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, कम नहीं है, पेपर भी था, अच्छी बात है ना, ओवरऑल बहुत अच्छे स्कोर है। केमिस्ट्री बायो कहाँ पढ़े थे? सर मैं सुपर 6 को ही फॉलो कर रही थी सर। पूरा सुपर 6 टीचर्स को फॉलो कराए? यस सर। बहुत शानदार बहुत शानदार। और एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए? यस सर एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है और फिजिक्स में एनसीईआरटी की एक रीडिंग मारी थी सर? हाँ सर एक रीडिंग तो मारी थी सर, क्योंकि 12th में भी जैसे बोर्ड वगैरह दिए हैं तो उसमें तो एनसीईआरटी से किया है। इतना मधुर संगीत मतलब अच्छा लगे से। चलो ठीक है ना। रेनू तुम बताओ भाई कैसे हो? हेलो सर मैं बढ़िया सर। खुश हो कि खुशी होगी दिखी हो, पक्का खुश हो? यस सर। ठीक है तो भाई रेनू बता दो भाई, अभी कैलकुलेट कर लिया आंसर की वगैरह से? सर 170 स्कोर रहा मेरा फिजिक्स में, मैं फ्रेश हूं। कितना प्लस माइनस हो सकता है, कितना प्लस माइनस हो सकता है सर? एक क्वेश्चन, अगर वो बोनस वाला मैंने अभी इंक्लूड ही नहीं किया। अच्छा बोनस वाला भी इंक्लूड नहीं करा है, हैं उसके बाद 170, अगर वो बोनस वाला हो गया तो 175 मान के चलो हैं। चलो कोई नहीं, हम तो वर्स्ट केस 170 मान के चलेंगे, वर्स्ट केस मान के चलेंगे, 170 मान के चलते ना। और बाकी बाकी ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री ओवरऑल 700 बन रहा है सर, बायो में मेरा 360 जा रहा है और केमिस्ट्री में 170। पर अपन फिर भी इसको केमिस्ट्री में 170 जा रहा है, ये बहुत शानदार, बायो में 360। बायो में कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल आए थे कुछ ऐसा सुना था मैंने? यस सर, सर उनको अभी मतलब सर पूछा था तो सर ऐसे बोले अगर इंक्लूड करो तो 360 जाएगा समथिंग, और नहीं करें इंक्लूड तो इंक्लूड नहीं करें उनको तो अपन बस के मान लेते हैं ना। हां यस सर 350 के चला जाएगा ना, चला जाएगा। ठीक है अपन मान के चलते हैं कि भाई ओवरऑल प्लस माइनस 20, प्लस 20 तो नहीं होगा, 700 का 720 तो नहीं जाएगा, कुछ तो गलतियां करी है ना, तो वो तो नहीं जाएगा, 80 से 700 के बीच में आ सकते हैं ना, वो अब आंसर की आएगी तो पता चलेगा ना। तो बहुत ही अच्छा भाई, कैसा लग रहा है? हां सर अच्छा लग रहा है, मैंने तो आपको 2020 से ज्वाइन किया था, जिस दिन मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया उस दिन से स्टार्ट किया था। यस सर तो मैक्सिमम 2 इयर्स 20 है अबे, वंदना के लिए 1 ईयर स्टूडेंट है, गौरी तुम भी 2 ईयर स्टूडेंट थे ना, सुमन भी 2 ईयर स्टूडेंट था। ठीक है अच्छी बात है, मतलब 2 साल की प्रिपरेशन में वो तो बात है ना, अलग बात होती है, 11 से ज्वाइन कर लो स्टार्टिंग से तो वो अलग अलग मीनिंग निकलता है ना। यस सर। तुम भी 11 12 के साथ फ्रेशर थे? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो बताओ भाई कैसी रही जर्नी वगैरह?
सर, साथ में मैं स्कूलिंग भी करती थी क्योंकि पेरेंट्स ऐसे बोलते थे कि स्कूल भी जाना जरूरी है, और फिर मैं सारी क्लासेस आके डाउनलोडेड लेती थी और पूरा रात को फिर रात भर करना पड़ता था क्योंकि स्कूल टाइमिंग इतना लेट होता था। और उसके बाद सर मैं जाती थी 8 बजे और फिर हम 2 बजे आते थे, उसके बाद सर फिर सारी क्लासेस लेनी होती थी, फिर बीच में तो मैं ऐसे स्कूल नहीं जाती थी, छोड़ दिया था मैंने जाना। वेरी गुड सर, मैंने फिर बस आपकी डीपीपी और एचसी भी किया। डीपीपी और एचसी भी करा, बहुत शानदार है ना। एचसी वर्मा तुमने भी करी है? यस सर, वर्मा इज द सीक्रेट ऑफ 170 प्लस मार्क इन फिजिक्स है, यही एचसी वर्मा इज द सीक्रेट फाइनली, है ना? यस सर। और नोट्स के सारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कर रखे थे? यस सर, नोट्स मैं साथ ही साथ प्रिपेयर करती थी और कुछ ऐसे थे जो मैं स्लाइड डाउनलोड कर लेती थी फिर उस पर ही देखती थी। अच्छा सर, वैसे ठीक है ठीक है। और ये बताओ कि मॉड्यूल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मॉड्यूल नहीं कर रहे थे सर, मैंने मॉड्यूल नहीं किए। ठीक है, और क्योंकि टाइम नहीं बचा था फिर वो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। नहीं सही बात है, सही बात है, 11 12 के साथ है, सही बात है ना। मतलब सिर्फ नोट्स डीपीपी के नंबर नहीं, बस नोट्स डीपीपी नहीं, एससी वर्मा करिए तुमने ना। और सर आज एससी वर्मा जो करने तो उसके लिए फिर कुछ नहीं आया है क्या? मैं 100 सर, आज मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट आया जिसमें फिजिक्स में 100 स्कोर किया है मैंने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी सब्जेक्ट में सर मेरे 97.2% बने हैं अभी। कौन सा बोर्ड था? सीबीएसई सर। सीबीएसई? अच्छा सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, मुझे पता भी नहीं रहता। यस सर। सबका आ गया है सर आज? यस सर आज सर आ गया है। अच्छा तुम्हारे 97.2 सीबीएसई में, तो टॉपर के कितने जाते हैं, हाईएस्ट कितने होते हैं? सर मैक्सिमम 98 या 99 के समथिंग चले ही जाते हैं। चले जाते हैं, बोर्ड है पर ठीक है। 97.2 बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। स्कूल के तो टॉपर हो गए अपने, स्कूल के टॉपर है। अरे ये तो मुझे पता नहीं रिजल्ट है सीबीएसई का। तो बात और तुम लोगों का भी आया है? वरना यस सर मेरा भी आया, 97.4% आया सर। तुम लोगों ने परसेंटेज की कीमत ही नहीं रखी, मतलब 97.97 वेरी गुड सर। वो नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ हो ही जाता है फिर बोर्ड का तो अपने आप ही। सर हम लोग का तो बोर्ड ही नहीं हुआ था। अच्छा हुआ था भाई, तुम अलग हो जाए सुमन कोरोना में बता दिया, पर कहीं नहीं होता, तू भी फोड़ती बोर्ड में नहीं होता है ना। हां ये बहुत शानदार, देखो जो अगर जेईई नीट की ढंग से तैयारी करते हो तो बोर्ड कभी नहीं रुकता, ये कभी होती ही नहीं है दिक्कत, आज तक मैंने नहीं देखी बोर्ड में कभी दिक्कत होती हो। गौरी तुम्हारा? सर मैं आईएससी बोर्ड की हूं। अच्छा तुम्हारा भी नहीं हुआ? हां सर मैं भी आईएससी पे थी। अच्छा तुम्हारा कब आने वाला है? मेरा लास्ट वीक ऑफ जुलाई है एक्सपेक्टेड। लास्ट वीक ऑफ जुलाई, तो कुछ ही दिन में आ जाएगा ना। तुम्हारा एक्सपेक्टेड कितना है फिर भी? सर फर्स्ट सेमेस्टर में 98.7 था। अच्छा सर, मतलब 98 आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो अच्छी बात, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। खैर अब वो मैटर भी नहीं करता, नीट में रैंक आ रहा है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में कभी तुमसे कोई बोर्ड के नंबर नहीं पूछने वाला है परसेंटेज। यस सर। ऑल्दो तुम्हारे इतने अच्छे कि तुम बताना चाहोगे पर कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे तुम्हारे नीट के रैंक ये पूछते हैं जिंदगी में। तुम्हारा कॉलेज पूछेंगे किस कॉलेज में तो पढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये सारी चीजें पूछते हैं भैया ना। ठीक है भैया ना, चलो भाई इन द एंड बता दो कोई एक एक चीजें जो तुम्हें मेरी क्लासेस की सबसे अच्छी लगी, ऑल्दो तुम्हें बहुत सारी बता दी है, और कोई एक तुम बताना चाहोगे कुछ कहीं अपन इंप्रूवमेंट भी कर सकते तो वो भी बता दो, कहाँ अपन और सुधार कर सकते हैं ना, क्योंकि तुम लोगों पर मैं भरोसा कर सकता हूँ भैया ना, तुम लोग जो बोलोगे उस फीडबैक को मैं बहुत सीरियसली लूंगा। तो चलो स्टार्ट। हां सर, फिट से अपना क्लास में सर अटेंडेंस का वो स्टार्ट कर दीजिए, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया रहता था आपके। अच्छा, क्लास में अटेंडेंस फिर से चालू कर दें? हां सर स्टार्ट कर दीजिए, बच्चा लोग आजकल इनडिसिप्लिन हो जा रहा है बहुत। अच्छा ऐसा है, चलो अटेंडेंस वाला फिर से अनअकैडमी ने बंद करवा दिया वो अटेंडेंस वाला। क्या करते थे अपन अटेंडेंस करते कैसे थे मैं भूल गया सर। आप वो लाइव लर्नर ग्रुप में आप नाम देखते थे पर जाओ नाम बोलते थे, जिसका नाम बोलो वो प्रेजेंट लिखेगा। हाँ, फिर जो नहीं लिखता था उसको ग्रुप से हटा देते थे। करना पड़ेगा, अच्छा आईडिया, अच्छा आईडिया। सर का डर से मैं हर एक क्लास किया था सर, दोपहर में रात में जब भी आपका क्लास रहता था सब किया था सर। ठीक है बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है ये मैं पक्का चालू करूंगा, मैं भूल गया था इस वाली चीज को सर। हाँ रेनू, मेरे को समझ ही नहीं आती थी सर किसी की भी फिजिक्स, मेरे को कोई टीचर ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरे भाई अनअकैडमी से पढ़ता था, उसने सजेस्ट किया था अच्छा इनसे पढ़ना। अच्छा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया? सर वो एमडी करता है एम्स दिल्ली में अभी है वो। अच्छा तुम्हारा भाई एम्स दिल्ली में, बहुत शानदार है। अच्छा ठीक है, एमडी कर रहा है वो है, उसको कैसे पता चला मेरे बारे में? सर वो उसके दोस्त जो ऐसे नीट पीजी वगैरह की तैयारी करते थे तो उन्होंने, उनके जो भाई बहन थे वो करते थे तो उन्होंने बताया था कि वो सर है और वो अच्छा करवाते, तभी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था सर। ठीक है, थैंक्स टू योर ब्रदर है, राइट पाथ है ना। ठीक है यस सर। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट वगैरह रहनु तो मैं लगता है कुछ कहीं अपन और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं है ना, क्योंकि इसी तरह से और ग्रो करेंगे ना, अभी यहाँ पे हैं और ऊपर कैसे जाएंगे, और ऐसे ही ग्रो करेंगे अपन लोग है ना।
और बताओ कहाँ कर सकते हैं, सोचो। सर मेरे को तो सब अच्छा ही लगता था, मुझे तो कोई कमी ही नहीं दिखी। नहीं जैसे कुछ बच्चों ने पहले बताया था कि अपन बताए मॉड्यूल डीपीपी जो देते थे वो पीपीटी फॉर्मेट में होती थी, तो उनका था दिक्कत होती है तो वर्ड फॉर्मेट में कर दो, हमने वो वर्ड फॉर्मेट में कर दिया, फिर मॉड्यूल कर दिया। सर जैसे डीपीपी देते हैं उससे पहले ही कुछ आंसर्स दे देते हैं, तो फिर हमें वो लगता है कि एक बार पहले चेक कर ले उसके बाद फिर करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन देख के। तो सर वो एक बार ऐसे करो कि पहले सारे क्वेश्चंस दे दो उसके बाद फिर सॉल्यूशन अच्छा अपलोड कर। तो क्या करते हैं सॉल्यूशन साथ में होते तो मन करता है कि सॉल्यूशन का जाके देख लो। यस सर, एक बार सॉल्यूशन से फिर सोल्व करो तो सर वो गंदी आदत लग जाती है कि पहले हम तरीका देख लेते हो फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व। गंदी आदत है, ये गंदी नहीं, इतनी गंदी आदत है ऐसे हाँ। तो ये वैसे अभी हमने अलग कर दिया ना, जैसे पहले क्या होता था कि क्वेश्चन होता था आंसर फिर नीचे सॉल्यूशन, आंसर और फिर सॉल्यूशन है ना। अभी जो डीपीपी का फॉर्मेट है उसमें डीपीपी मॉड्यूल होते हैं, डीपीपी होती है फिर उसमें लिंक होती है हाँ, पर इतना सेल्फ कंट्रोल तो होना चाहिए। अब ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि सीधा लिंक सीधा वीडियो सॉल्यूशन देख कर रहे हैं, ये तो गलत चीज है, ये गलत चीज है। चलो इस पे भी करते हैं, इस पे करते हैं ना। चलो और भाई बताना तुम बताओ। सर मुझे तो वो अच्छा लगता था जब आप दो दो मेथड से पूरा फील देते थे और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती। वो मेरी मतलब मेरी खुद फिजिक्स ही सबसे फेवरेट चीज है कि एक एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करना, मतलब मुझे उसी चीज ने फिजिक्स में फीलिंग दी है कि मैं इधर से जाता हूँ तब भी जवाब आता है, इधर से जाता हूँ तो मतलब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कहीं से भी जाऊँ मेरा आंसर आता है ठीक है। ये ऐसी वर्मा भी ऐसी करती, ऐसी वर्मा भी ऐसी करी थी तभी मतलब वो उस लेवल की फीलिंग आई। और इम्प्रूवमेंट में बताओ भाई वंदना। सर मुझे तो सर लिंक में बहुत प्रॉब्लम आती थी सर, क्लास में लिंक ही नहीं मिलता, कभी डाउट भी उठता। यस सर वो मेरे को भी नहीं मिलता था। क्यों मैं डाउनलोडेड लेती थी तो कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा तुम डाउनलोडेड क्योंकि तुम स्कूल जाते थे तो, पर क्लास तो शाम को होती थी ना रेनू। सर फिर वो बीच में पहले बायो की लेनी पड़ती थी सर, फिर मैं साथ के साथ ले नहीं पाती थी क्योंकि बहुत सारा वर्क भी हो जाता था, पहले मैं पूरा वर्क करके फिर उसके बाद फ्री होके सारी क्लासेस लेती थी। अच्छा अच्छा ये तो तुमने स्कूल के साथ करी, बहुत बड़ी बात है ना, मतलब सीरियसली यू शुड बी प्राउड ऑन योरसेल्फ, मतलब बहुत बड़ी बात है। स्कूल में अगर रोज स्कूल जाके तुम इतना कर रहे हो तो दैट इज अ बिग थिंग, मतलब बहुत मुश्किल होता है, एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है। सर मेरे टीचर तो ऐसे बोलते थे तेरे से नीट ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं स्कूल वाले, सर पता नहीं क्या ही थिंकिंग थी उनकी। कोई बात नहीं ना, कोई अभी नहीं बोलना, अभी कुछ नहीं बोलना, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए तो देखिए और लड्डू खिलाना जाके बात करना। फाइनल रिजल्ट अब है ना, क्योंकि अभी मैं ये बताता हूँ कई बार पता है पिछले साल एक बच्ची थी उसकी गड़बड़ हो गई थी, ओएमआर गलत भर के आ गई थी है ना। आई होप तुम में से किसी ने ऐसा नहीं करा होगा तब तक है ना, ये ध्यान रखना, आई होप नहीं कराओ, लेट्स होप है ना नहीं कराओ। कभी कभी कुछ भी हो जाता है तो लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट है ना, लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट है ना ठीक है। हमारी टेक्नोलॉजी ऑनेस्टली इतनी अच्छी वो आइडेंटिफाई कर लेगी, नहीं तो उनको मशीन नहीं लगवानी होगी, उसकी चिंता मत करो हो जाएगा ना ठीक है। और हाँ और गौरी भाई तुम बताओ। सर और एक चीज सर, सर आप जब सर पहले आप जब क्लास स्टार्ट करते ना आपके डायलॉग बोलते थे ये कैसे पढ़ना है, सोते सोते पढ़ना है या फिर स्कूल टीचर की तरह बोर्डिंग पढ़ना है या फिर फिजिक्स में मचाते हैं सर, वो दारुण लगता था सर। यार मैं भूल गया, तो मैं भूल गया था अपने डायलॉग है सर, वो डायलॉग बेस्ट लगता था सर, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे सोते सोते पढ़ना है या फिर इंग्लिश में प्रोफेसर की तरह इंग्लिश में पढ़ना है या फिर फिजिक्स में मचाना है सर, वो बेस्ट था। अब अगली क्लास में ही मारूंगी तुम देखना, ये मैं भूल गया था, मैं सच में भूल गया था यार, मेरी शक्तियां जा रही है, मेरी शक्तियां छीनी जा रही है मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है। तो अब गौरी तुम बताओ तुम्हें कोई एक चीज जो बहुत अच्छी लगी हो और कोई तुम्हें लगता है कि हम कहीं पे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर अच्छा तो सर मैम स्कोरिंग 180 मुझे तो परफेक्ट लगता है आपका रेज्यूम, बिल्कुल जो भी क्लास का है। कौन सी चीजें तुम्हें अच्छी लगी क्लास की जो सबसे ज्यादा? आई थिंक आपका पढ़ाने का तरीका हमेशा से लाइक 6th से बायफर्केट हुआ था ना साइंस इनटू फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मैंने हमेशा से फिजिक्स आपके तरीके से पढ़ी है, हर चीज को माइन्यूटली पढ़। मेरे स्कूल में भी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे स्कूल में भी टीचर्स अच्छे थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है अगर हम स्कूल से अच्छे टीचर मिल जाए ना, तो वो बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट। सर तो सर आपका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल मुझे क्लिक करता था और कभी दिक्कत नहीं हुई मुझे समझने में कोई चीज। वन थिंग इज दैट
जब लास्ट में मैं लाइव लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रही थी तो डाउट ग्रुप खत्म हो गया और नया बना होगा और फिर मैं यूज नहीं कर पाई डाउट ग्रुप का जब जरूरत थी मुझे एक्चुअली। अच्छा, तो फिर मैंने अनअकैडमी डाउट फीचर से यूज किया था। हां सर, अनअकैडमी का डाउट फीचर भी बहुत अच्छा है। डाउट फीचर का तुम लोग मुझे वो दो फीडबैक दो, वो कैसा है? हां सर, वो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, वो बोल देते हैं कि गलत बता रहे हो सकता है, में से एक किसी ने गलत बता सर, फिर फीडबैक दे देते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन वो लोग बोल रहे थे फीडबैक देने के लिए। अच्छा सर, वो अच्छा है और एक सेकंड में आंसर आ जाता है और अगर नहीं आता तो दो तीन मिनट में तो आ ही जाता है आंसर, नेटवर्क इतना बड़ा है उनका। ठीक है। तुम्हारा कैसा लगा गौरी उसके साथ? डाउट फीचर काफी मुझे सही लगा। अच्छा है ना। अच्छा, उसमें बस क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते, ये दिक्कत है ना। अगर यू आस्क देम टू रिव्यू इट तो कभी कभार वो अपना सलूशन सही मान के रिव्यू नहीं करते। अच्छा ठीक है, इसमें भी अपन करेंगे। और फिजिक्स वाले से डाउट ग्रुप का एक्सपीरियंस कैसा था, उसको हम और कैसे बेटर बना सकते हैं? हम ऑडियो टेलीग्राम का जो फीचर है ऑडियो कॉल सेशन चालू कर रहे हैं तो बच्चे कॉन्सेप्चुअल भी डिस्कस कर सकते हैं टीचर के साथ, है ना। तो अपन और भी ज्यादा बेटर करने के हैं कि उसको और बेटर बना पाए, तो तुम लोगों कोई सजेशन है कि हम और ज्यादा कैसे बेटर बना सकते हैं उसमें? जैसे क्रॉस क्वेश्चन का हमने ऑलरेडी डाल रखा है, तुम अपना सॉल्यूशन डाल के टीचर से डाउट पूछ सकते हो, है ना। क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई हमारे में क्या गलती है, कैसे गलती है ना। तो और ज्यादा बेटर कुछ बनाया जा सकता है तो बताओ उसे। सोचो नहीं, चलो कोई नहीं, बाद में कोई सजेशन आए तो बताना। ठीक है। चलो, है ना। चलो फिर अपन वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट का, है ना। लेट्स होप, बहुत शानदार रिजल्ट है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जिनका जिनके साथ सेशन करना है उसके साथ भी करेंगे आगे जाके, ना। और फिर जब रिजल्ट आएगा तो एक दिन फाइनली अनअकैडमी पे सारे के सारे बच्चे एक साथ आएंगे, बढ़िया ऑडियो कॉल वगैरह पे बात करेंगे। ठीक है, और एंजॉय करो अभी, है ना, इतनी मेहनत करी थी। मूवी भी देख रहे हो? जी सर, सर मैंने तो एग्जाम का एक हफ्ता पहले देख लिया था थर्ड वाला। वाह, क्या कर रहे हो अब ऐसे एकदम से? एग्जाम आने का एकदम से प्रेशर खत्म हो गया, पहले इतना प्रेशर उठाया एकदम से बिल्कुल फ्री हो गया, तो कैसा लग रहा है? या फिर अजीब लग रहा है कि कुछ पढ़ने को तो मेरे को कुछ पढ़ने को चाहिए, मैं क्या करूं दिन भर? खाली खाली लगता है अब तो। तो क्या कर रहे हो बंदन, अभी क्या करते हो मतलब दिन में? कोई नई स्किल, कुछ नया बुक वगैरह पढ़ रहे हो, कुछ नया सीखने जा रहे हो? सर मैंने तो प्रोडिगी दिए थे अभी और मेरा आईफोन भी आया है कल अनअकैडमी से। हां सर, क्या सर तुमने प्रोडिगी दिया था कब? सर प्रोडिगी दिया था पिछले वीक और अब ये सर, उसके बाद फिर एक मैंने अनसेट किया था। यस सर, आ गया आईफोन 12 आया है। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और भी कुछ बता रहे थे, एक और दिया था सर? काफी चीजें आई है, जैसे मैंने पहले दो प्रोडिगी पहले दिए थे उसमें मेरे को दो मैक भी मिले हैं सर, एक पहले मेरे को जब ज्वाइन किया था तब मिला था और उसके बाद भी सर एक आया था। बहुत शानदार। तो मतलब कॉलेज जाने के लिए पूरी तैयार हो, आईफोन है, मैक है, पूरा फुल फुल तैयार हो, रिजल्ट आने कॉलेज आना है। तुम लोग ने नहीं दिए प्रोडिगी वगैरह? नहीं, अब तो टॉपर ही हो, अब दे दो जाके एक एक आईफोन तुम लोगों को मिल जाएगा। सब आईफोन रखे तो बनते ही, इतना तो बनते ही आईफोन रखे कॉलेज में जाना। चलो ठीक है, मैंने तो अपने पापा को गिफ्ट कर दिया। इतने अच्छे हो, पापा को गिफ्ट कर दिया आईफोन? और मैकबुक भाइयों को? सर वो तो मेरे पास, एक भाई के पास, एक मेरे पास, एक भाई के पास, मेरे पास। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड है ना। चलो भाई मिलते हैं ना, फिर बात करते हैं ना। बाय गाइस, बाय बाय सर, बाय सर, बाय।